problem. Where do you want to go? The hall. The hall? Yeah. The hall? Hi, hi. Hi. Hey, whose horse is this? This guy? Aapka hai? Kya naam hai? Tara. Tara. Huh? Tara, Tara. Tara. That is why he doesn't stand behind the horse. दो घोड़ों के बीच में मैं समझ ही नहीं बेचारी. Picture of this. No, take it from here. I want you to take a picture of the interaction. Whenever you are ready, yeah. Ready? Yes, please. First of all, congratulations. Thank you. So, tell us the purpose of the shoot after 2 days. Today's shoot's purpose is just to make sure that we pitch the brand correctly all over to our consumers. We're trying very hard to give them something very different as far as creatives are concerned. Albert is a brand that I've tested out personally, and I think it's one of the finest men's grooming products that we have in the country. It definitely steps out of what the regular other products that we have around. It just has a niche of its own, and that's how Rajiv and the entire creative agency, we all of us at Mirage, plus the entire team of Ajitab, just all of us came together and we said that we want to create something which is very different as far as its creative is concerned. Wanted it slightly more fun as far as its vibrance is concerned. So the color palettes are very different. Otherwise you'd find them very regular black and white, because it's a men's grooming product, it should be black. Not just that, I think the colors, the vibrance, the whole X factor of it having that one slight retro-ish feel, vintage feel, I think it stands out. Who is one person, how much relate to your product? Well, I do relate a lot, because I remember जब मेरी शुरुआत हुई थी करियर में 12 साल पहले, जब जॉनी गद्दार की शूट हो रही थी, तब से लेके आज तक हर फिल्म में दाढ़ी रखी है. और उस समय ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हुआ नहीं करते थे, मर्दों के लिए इतने प्रोडक्ट्स आते नहीं हैं मार्केट में जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रूम करें. तो जाहिर सी बात है उस समय मुश्किल हुआ करती थी. अब इन 10 सालों में इतना कुछ बदल चुका है कि मर्दों के लिए भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. उनमें से एल्बर्ट जो है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक ऐसा टेस्टेड प्रोडक्ट है, मैंने खुद टेस्ट किया है कि इसे इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करता हूँ. क्योंकि कभी कभी दाढ़ी जब लंबी हो जाती है, हम बड़ी दाढ़ी रखते हैं, तो वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू लुक. आर वी लुकिंग प्रेजेंटेबल और नो? बट द मोमेंट यू हैव अ नाइस यू नो एल्बर्ट वैक्स ऑन इट, और यू हैव एनी ऑफ द ग्रोथ ऑयल्स. And the best is that the odor, the perfume around it is not strong. It doesn't matter. अब मैंने फिलहाल मैं खुद इस्तेमाल किया हूँ, मगर मालूम ही नहीं पड़ता, एकदम नाक के पास है, मगर फिर भी उसका एसेंस बहुत अच्छा है. सर, आई जस्ट वांटेड टू नो योर ओपिनियन, व्हेनेवर सेलिब्रिटी एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, व्हाट डज दे प्ले द रोल ऑन? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ब्रांड है क्या, और वो जब आप एक कंज्यूमर तक पहुंचाने चाह रहे हो तो क्या आप उसे इंडोर्स कर रहे हैं, क्या आप खुद वो इस्तेमाल करेंगे? अगर सवाल का जवाब हाँ है तो बेशक मैं ज़रूर उसे इंडोर्स करूँगा. आई थिंक आज की युवा पीढ़ी खुद इतनी कॉन्शियस हो गई है
अपने लुक्स को लेके, फिटनेस को लेके, ग्रूमिंग को लेके, हर कोई आदमी जो है आप यहाँ खड़े रह के आप बस एक कैमरा अगर घुमाएंगे आप देखेंगे कितने मर्द हैं यहाँ पे इस कमरे में जिन्होंने अपनी दाढ़ी रखी है। पहले हम कॉन्शियस हुआ करते थे कि दाढ़ी रखे ना रखे कैसा लगेगा, अब वो ज़माना बदल रहा है तो मर्द हैं थोड़ा तो हम भी दिखाएं कि हम अपने आप को ग्रूम करके रख सकते हैं। तो जी हाँ, जब एक इंडोर्स कर रहा हूँ मैं प्रोडक्ट क्वालिटी ब्रांड पर्सनल ब्रांड का इमेज क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मुझे लगता है कि अल्बर्ट उन सब में अव्वल नंबर पे है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही ये ऐड ये कैंपेन मार्केट में आ जाए शान शान लग जाएगा अल्बर्ट को। ओके सर, आपके बीएड के लुक की आपने बात की है कि 10 साल हो चुके हैं बट आप वही लुक में हैं, तो आपके अलावा कोई एक एक्टर बॉलीवुड में जिसके ऊपर बहुत ही सूट करता हो या आपको बहुत पसंद हो या आप उसको देख के भी फॉलो करते हो? यार पहले तो क्योंकि मैं इतना गोरा था तो मैं हमेशा एक दाढ़ी रखता था कि ताकि वो गोरापन थोड़ा ढक जाए। एक फिल्म मैंने की थी न्यूयॉर्क जिसमें मैंने क्लीन शेव किया था, तो बहुत ही बच्चा दिखता हूँ। और अब भी वही प्रॉब्लम है कि जब बीवी कहती है कि दाढ़ी निकाल दो तो कम उम्र में बहुत कम दिखता हूँ। तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं जिनको हमेशा देख के मैं प्रभावित हुआ हूँ कि यार अगर ये मेंटेन कर सकते हैं। मेरे पिताजी हमेशा अपनी उन्होंने दाढ़ी रखी है तो घर में ही इतने बड़े स्टार हैं। इंटरनेशनली शॉन कॉनरी, पियर्स ब्रॉसनन, इतने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने हमेशा दाढ़ी रखी। हम आज अगर यहाँ की बात करें बॉलीवुड में हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सारे ही यंग जनरेशन के अब लड़के जो हैं अब दाढ़ी रखना शुरू किए हैं, चाहे वो आयुष्मान हो, शाहिद हो, रणवीर सिंह हो। तो आप देखिए दे आर ऑल कीपिंग द बियर्ड्स एंड दे आर ऑल लुकिंग वेरी गुड, दे आर लुकिंग वेरी डैपर। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू सेंड अ बॉक्स ऑफ these products to all of them as well. Yeah. Okay sir, aapke acting ko to bahut saraya gaya hai hamari industry mein, but uske alawa aap bahut hi jald producer bhi banne wale hain. Aapke bhai ke naman ko dekh ke aap produce kar rahe hain movie aur shayad aap usme play bhi kar rahe hain koi kirdar aage, uske bare mein kuch bata sakte hain? Aisa maine bhi sunne mein aaya hai mere ke wo shayad mujhe cast kare, but dekhiye production mein isliye gaya hu kyunki kuch kahaniyan aisi hoti hain jahan jo banani zaruri hoti hai, jo batana zaruri hota hai. मेरे करियर के पहले से ही मैंने हमेशा ये माना है कि कुछ अलग हमेशा करें। जहाँ पूरी इंडस्ट्री मुझे कहती थी कि एक लव स्टोरी से डेब्यू करो, मैंने जॉनी गद्दार जैसी फिल्म से डेब्यू किया क्योंकि फिल्म का मतलब ही है कि बड़े पर्दे पे एक किस्म का मनोरंजन हो, एक किस्म का एक्सपीरियंस हो। पर इतने सारे जॉनर्स हैं, इतने सारे अलग अलग किस्म की फिल्में बन सकती हैं। हम वही एक ट्रैक पकड़ के एक फॉर्मूला अगर चल जाता है, अगर बायोपिक चल गई तो बस बायोपिक ही बनते जा रहे हैं। तो एज ए प्रोड्यूसर आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्राइंग टू डू सम फिल्म्स दैट आर स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स। आई थिंक जब नमन और मेरी बात हो रही थी, ये करीबन 3 साल पहले की बात है जहाँ ये स्क्रिप्ट डेवलप होना शुरू हुआ, ये इस फिल्म को लिखा मैंने। तो जब मैंने लिखनी शुरू की ये फिल्म तो नमन से मैंने पूछा क्या तुम ये फिल्म एज एन ऑडियंस देखना चाहोगे। तब नमन ने और मैंने खुद भी नहीं डिसाइड किया था ये फिल्म प्रोड्यूस होगी, बनेगी, कौन होगा, क्या होगा। उन्होंने कहा कि नील भैया अगर ये फिल्म ऐसी आती है, ये हिंदुस्तान में शायद ऐसा पहला जॉनर खोलने वाली फिल्म होगी जो ऐसी मैंने कभी फिल्म देखी नहीं है, बिल्कुल नहीं, हिंदुस्तान में ऐसी फिल्म मैंने कभी देखी नहीं है। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में अटक गई कि अब ऐसी फिल्म देखी नहीं है तो दिखानी चाहिए, हम क्यों नहीं कुछ ऐसा करें जो कि हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सेट करे, एक नई चीज़ करे। जहां लोग हिचकिचाते थे नेगेटिव रोल से डेब्यू करना, वही मैंने वही किया और आज तक उसी का खाया। तो यू हैव टू ट्राई एंड नॉट बी रिबेलियस इन ट्राइंग टू डू थिंग्स डिफरेंटली, यू हैव टू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू हैव फाउंड नमन एज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। उनका विजन और मेरा विजन एकदम क्लियर है, मेरा टीम टच विद गॉड ब्लेस देम वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। तो अगले महीने मैं आप लोग को दावत दूंगा ज़रूर आना सेट पे,
देखना माहौल क्या है वहाँ पे. प्लीज़ इनकरेज अस, प्रे फॉर अस. वी आर ट्राइंग समथिंग स्मॉल बट आई होप इट इम्प्रेस. ओके सर, लास्टली दो सवाल. आपके और की मूवी आ रही जो रुक गई थी बहुत टाइम बाद आ रही इसके पीछा चड्डा के साथ, yeah. तो उसके बारे में क्या कहना है? वेरी डिफिकल्ट. 6 साल हुए हैं. अब 6 साल बाद मैंने अभी तक खुद फिल्म देखी नहीं है. तो एक मेरा मानना है कि हर एक फिल्म का एक समय होता है, क्योंकि कहानियाँ आज आप देख रहे हैं एज एन ऑडियंस भी, एज मीडिया आप लोग खुद इतनी फिल्मों को रिव्यू करते हैं. हर हफ्ते 3-3, 4-4 फिल्में आ रही हैं, अलग अलग किस्म की फिल्में आ रही हैं. अब यही चीज़, और लोग हर दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई कहानियों के साथ आपके सामने आते हैं. 6 साल पुरानी फिल्म बहुत अच्छी बनी थी उस समय, अब पता नहीं लोगों को कैसा लगे इस फिल्म के बारे में. बस यही चीज़ से मैं खुश हूँ कि जो चीज़ एक किसी ने शुरुआत की थी जिसकी, वो फाइनली हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है. वो फुल सर्कल होना बहुत ज़रूरी है. तो जजमेंट मैं ऑडियंस से कहूँगा कि आप उसको उस तरीके से अगर देखें तो आप उस तरीके से जज करें कि किसी ने मेहनत करने की कोशिश की, उनके फैमिली में कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये फिल्म अटक गई थी, अब जाके उन्होंने ये फिल्म कंप्लीट की है. तो मैं उनको पूरा सपोर्ट उस पॉइंट पे करता ज़रूर हूँ कि उन्होंने इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत के बाद कम से कम फिल्म रिलीज़ करने की कोशिश की और कर रहे हैं. तो आई थिंक आई विश प्रेरणा एंड द एंटायर टीम ऑफ इश्केरिया ऑल द वेरी बेस्ट. आई थिंक इट्स कमेंडेबल कि इतने सालों बाद भी कोई भी भूल भी जाए, छोड़ भी दे, मगर वो होता है ना कि आप एक कलाकार हैं तो अपनी कला को आप छोड़ नहीं सकते. उसी तरीके से मैं खुश हूँ कि कम से कम एक फिल्म जो मेरी ही अटकी थी अब आ रही है आप लोगों के सामने. अब वो ऊपर वाले के हाथ में, आप लोग के हाथ में, वो चले ना चले, बस इतना आप ध्यान में रखिएगा कि जब बनी थी उस समय के लिए कहानी बहुत अच्छी थी. ओके सर, लास्टली इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो एक विश अगर. Well, this is wishing all you viewers a very, very, very happy Independence Day. Be proud, be strong, be an Indian. Thank you, thank you, sir. Best thank you. Thank you.